नमस्कार दोस्तों आ, ये फिफ्टी सेशन है क्रैश कोर्स का आप लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स किए होंगे जो आपको टेस्ट दिया गया है सो so, अब हम वो क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने के लिए करने के लिए जा रहे हैं तो चलिए शुरुआत करते हैं ये मेमोरी नहीं है कॉग्निशन है जैसा कि आपको पता ही होगा क्वेश्चन वन है पोमेरियन इज़ क्लासिफाइड एज बिकॉज इट प्रजेस ऑल दिस्टिक्स कॉमनली एसोसिएटेड विद दॉग एक ओमेरियन को टैश के रूप में वर्गीत किया गया है क्योंकि इसमें कुत्ते की अवधारणा से जुड़ी सभी विशेषताएं हैं अस्टिक प्रोटोटाइप ओनिम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको ये बताना है कि ओमेरियन को एक क्लासिफाइड किया जाता है डैश के रूप में क्योंकि वो सारी कैरेक्टरिस्टिक एसोसिएट करता है जो कि कुत्ते का एक कॉन्सेप्ट है कॉमेरियन एक ब्रीड हो गई डॉग की तो आ, बताना है आपको कि ये है क्या बेसिकली ह्यूरिस्टिक है प्रोटोटाइप है फोनीम है या कॉन्सेप्ट है आंसर होगा इसका एक प्रोटोटाइप ध्यान रखिएगा जहां तक ह्यूरिस्टिक की बात है तो ह्यूरिस्टिक यानी कि हमारे पास में जो भी एग्जाम्पल्स से नॉलेज आती है यानी जो भी कुछ हमने खोजा या पाया वो सब ह्यूरिस्टिक कहलाता है आपको पता ही है कॉन्सेप्ट यानी कि किसी चीज का जो आपने एक समझ बनाई है कॉन्सेप्ट के लिए आप समझ अंडरस्टैंडिंग को ध्यान रखिए यहां पे जब भी कोई एक चीज फॉर एग्जाम्पल आपने देखा uh, ये है बॉटल तो ये बॉटल हुआ ये बॉटल जो है ये आप प्लास्टिक बॉटल कह रहे हैं तो प्लास्टिक बॉटल भी एक बॉटल है ये बॉटल का ही एक प्रोटोटाइप हुआ राइट सो so, इसलिए आ, उसको एक प्रोटोटाइप के रूप में बताया जाता है जो भी चीजें होंगी इस तरीके की राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शनल फिक्सडनेस एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्यात्मक निश्चितता का उदाहरण है फंक्शनल फिक्सडनेस फंक्शनल फिटनेस क्या होती है एक बैरियर के रूप में होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग को प्रभावित करने वाले कारकों में होता है तो ये इन्फ्लुएंस करता है कभी कभी पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी होता है कि ऑब्वियसली आपके पास अगर आप अगर इस तरीके की पिछली बार प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं तो आप के लिए वो एक एनालॉजिकल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अदरवाइज वो एक प्रॉब्लम भी हो सकती है तो ऑप्शन ए है देखते हैं यू आर अनेबल टू सॉल्व अ मैथ प्रॉब्लम बिकॉज द फार्मूला यू आर यूजिंग इज इन आप जो फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं वो गलत है इसलिए आपका मैथ्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है बेकिंग ए केक विद एप्पल सॉस इंस्टेड ऑफ ऑयल ऑयल की जगह पे आप सॉस के साथ केक को बेकन बेक करने की कोशिश कर रहे हैं व्हेन यू कांट फाइंड अ पेयर ऑफ सीजर यू यूज द की टू ओपन इट ओपन अ पैकेज आप सीजर नहीं मिली आपने चाबी से एक पैकेज को खोल लिया टेकिंग ए टेंजरीन एंड रेफरिंग इट टू एज एन ऑरेंज आपको एक टेंजरीन मिलता है और आप उसे कीनो जिसे आप कहते हैं और उसे आप आ, नारंगी के रूप में पहचान बनाने की कोशिश करते हैं तो जब आप ये करने की कोशिश कर रहे हैं टेंजरीन के साथ में आ, टेंजरीन को आप एक ऑरेंज समझ रहे हैं यानी की कि किनो को आप एक नारंगी समझ रहे हैं तब आप क्या कर रहे हैं अपनी जो अपना जो ज्ञान है उसी से उसको जोड़ रहे हैं उसे एक ऑरेंज का प्रोटोटाइप मानने की कोशिश कर रहे हैं दूसरी तरफ वेन यू कांट फाइंड अ पेयर ऑफ सीजर सीजर नहीं मिल रही तो आपने की का इस्तेमाल कर लिया तो की का इस्तेमाल कर लेना एक ऑल्टरनेटिव यूज का क्योंकि तो की उस काम के लिए है नहीं लेकिन आपने ऑल्टरनेटिव यूज का इस्तेमाल किया तो ये एक तरीके का क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्यूशन है के साथ आप केक बना रहे हैं के साथ, क्या ये फंक्शनल फिक्सडनेस है यू आर अनेबल टू सॉल्व ए मैथ प्रॉब्लम बिकॉज द फॉर्मूला यू आर यूजिंग क्ट अब ध्यान रखिए आपने एक यू हैव लर्न अमूला और आप उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल अलग अलग प्रकार की समस्याओं के लिए कर रहे हैं तो ये क्या हो गया ये आपका एक जो चीज आ, जो फॉर्मूला आपको याद करना था वो लर्निंग नहीं हुई राइट सो इन दैट केस फॉलोइंगज फंक्शनल फिक्सडनेस एग्जाम्पल तो इसमें से फंक्शनल फिक्सडनेस का एग्जाम्पल कौन सा है यू कॉन्ट फाइंड ऑफ सी सो यू यूज द की टू ओपन पैकेज नहीं ये गलत लगा हुआ है आंसर आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा दिस इज रॉन्ग आंसर इसका आंसर होगा ए यू आर अनेबल टू सॉल्व मैथ प्रॉब्लम आप मैथ्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल हैं क्योंकि आपने जो पहले से लर्न किया हुआ है फॉर्मूला आप उसी को लागू करने की कोशिश कर रहे हैं वट यू हैव आप उसी को है इसलिए इसको करेक्ट कर लीजिएगा ये आंसर होगा यहां पे ए ना कि डी नेक्स्ट क्वेश्चन टू बिकम चेस और चेकर चैंपियन वन मस्ट यूज द फॉलोइंग स्ट्रेटजी शतरंज या चेकर्स चैंपियन बनने के लिए निम्नलिखित रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए एल्गोरिथम ह्यूरिस्टिक्स कॉन्सेप्ट एंड प्रोटोटाइप्स आपको चेस चेस का खेल होता है जिसके अंदर के 64 ब्लॉक्स होते हैं और उसमें आपके पास में 16 और दूसरे पार्टी के पास में भी 16 पीसेस होते हैं जिनको कि आप चलते हैं जिसमें एट पॉन्स होते हैं और एट स्ट्रॉन्ग पीसेस होते हैं तो अब आपको क्या करना है आप अगर चेक और चैंपियन बनना चाहते हैं तो आपको एल्गोरिथम का यूज करना होगा का का या प्रोटोटाइप का आपको चैंपियन बनना है ध्यान रखिए तो आप क्या करना चाह रहे हैं आप उस स्किल को हाईएस्ट लेवल पे अचीव करना चाह रहे हैं और हाईएस्ट लेवल पे उस अचीव उस स्किल को अचीव करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी एल्गोरिथम की क्योंकि यहां पे प्रोबेबिलिटी नंबर्स ऑप्शंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ऑल्टरनेटिव यूज के सभी प्रिंसिपल्स लागू हो रहे हैं जो कि एल्गोरिथम के लिए जरूरी होते हैं और जो कि चेकर और चेस चैंपियन बनने के लिए भी जरूरी होंगे सो दैट्स द आंसर वुड बी एल्गोरिथम नेक्स्ट क्वेश्चन शबाना बिलीव द इवनिंग न्यूज कंटेन्स ओनली ट्रेजिक इवेंट सच एज फ्लड अर्थक्विक एंड मर्डर आफ्टर वॉचिंग इट वेन प्रेस्ड टू रिकॉल एडिशनल जो न्यूज होती है वो सिर्फ ऐसी न्यूज देने के लिए होती है जिसमें कि फ्लड आर्थक् जैसी कुछ घटनाएं इंसीडेंट्स एक्सीडेंट्स होते हैं दुखद घटनाओं के लिए लेकिन जब वो न्यूज कास्ट के देखती है तो उसको लगता है कि कुछ और भी घटनाएं हैं जो कि उसको आ, उसको देखने को मिली हैं तो आ, इसका उदाहरण क्या है रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक्स अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक्स फंक्शनल फिक्स्डनेस या इनसाइट ध्यान से समझिएगा यहां पे आपने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को निर्धारित कर दिया कि इस टाइम पे जो न्यूज दिखाई जाती हैं वो तो सभी नेगेटिव न्यूज हैं। गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार तो आपको लगता है कि जो सभी न्यूज़ दिखाई जाती हैं वो इंसिडेंट या एक्सीडेंट से जुड़ी हुई होती हैं। इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो एग्जाम्पल्स हैं आपने उसके आधार पर मान लिया राइट लेकिन जब आपने प्रत्यक्ष रूप से इसे देखा तो आपको ये पता चला कि नहीं और भी चीजें उसमें अवेलेबल होती हैं तो यह आपका अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक है कि जिस दिन आपने देखा उस दिन आपने इस बात को मान लिया राइट जी जी रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक पे आएंगे इनसाइट और फंक्शनल फिक्सडनेस में बता चुका आपको कन्वर्जेंट थिंकर आर मोर लाइकली देन डाइवर्जेंट थिंकर टू विभिन्न विचारकों की तुलना में uh, विविध विचार विचारक भिन्न विचारकों की तुलना भिन्न यानी अपसारी विचारकों की तुलना में अधिक संभावना रखते हैं वेन सॉल्विंग प्रॉब्लम थिंक आउटसाइड द बॉक्स वेन प्रॉब्लम सॉल्विंग जनरेट न्यूमरस डिस्टिंक सॉल्यूशन सेलेक्ट एन एल्गोरिथम ओवर ह्यूरिस्टिक्स वेन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम

उनके पास जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करेंगे तो सेलेक्ट एन एल्गोरिथम ओवर ह्यूरिस्टिक्स वेन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम यानि कि कन्वर्जेंट थिंकर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं उनका इस्तेमाल करके और फिर सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ये देख करके कि यहाँ पे मुझे फ़ायदा हो सकता है और यहाँ पे मुझे नुकसान हो सकता है तो इस तरीके से वो शायद प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करेंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्विंग प्रॉब्लम यूजिंग रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक ये गलत है क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक मतलब कि आप कह रहे हैं कि वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे कन्वर्जेंट थिंकर क्योंकि वो केवल जो उन्होंने सोचा हुआ है रिप्रेजेंटेशन बनाया हुआ है उन्होंने केवल वो उसमें फंस करके रह जाएंगे थोड़ी है प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही रही है व्हेन प्रॉब्लम सॉल्विंग अलग अलग प्रकार से ऑल्टरनेटिव यूज करेंगे सॉल्विंग प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक इसका मतलब होगा कि किसी तरीके से मेंटल सेट या फंक्शनल फिक्सडनेस के अंदर वो फंस गए हैं ऐसा नहीं होगा ठीक है ना और या फिर अगर पॉजिटिवली यूज करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक का पॉजिटिवली यूज डाइवर्जेंट थिंकर करते हैं तो इसलिए दोनों ही वे में इसका तो रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पीहू वाज इनवाइटेड इनटू द कॉकपिट ऑन हर वे टू दिल्ली टू मीट द पायलट मंजुल मंजुल से जब मिली पीहू तो मतलब पीहू दिल्ली आ रही थी उसे कॉकपिट में बुलाया गया यानी कि जो प्लेन का जो वो एरिया होता है जिसमें पायलट होता है उसमें बुलाया गया मंजुल के द्वारा शी वॉज टेकन अ बैक वेन शी डिस्कवर्ड मंजुल वॉज अ फीमेल लेकिन उसको एक झटका लगा जब उसे ये पता चला कि मंजुल एक फीमेल है दिस इज एन इलिस्ट्रेशन ऑफ ये किस चीज का एग्जाम्पल है तो पीहू को पायलट मंजुल से मिलने के लिए दिल्ली जाते समय कॉकपिट में आमंत्रित किया गया जब उसे पता चला कि मंजुल एक महिला है तो वह हैरान रह गई इस ये ये, ये किस चीज का उदाहरण है कंफर्मेशन बायस कन्वर्जेंट थॉट रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक ह्यूरिस्टिक्स फॉर अवेलेबिलिटी अब यहां पे <laughs> यहां पे ये कंफर्मेशन बायस नहीं है यहां पे ये रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक है क्योंकि उसने आज तक जहां पे भी वो हैरान क्यों रह गई क्योंकि ये जो मंजुल नाम है उसे लगा कि ये किसी मेल का नाम है क्योंकि वो मेल एक्सपेक्ट कर रही थी क्योंकि उसने मंजुल नाम मेल का सुना है तो अपने दिमाग के अंदर जो रिप्रेजेंटेशन उसने क्रिएट किया है वो रिप्रेजेंटेशन किसका है वो रिप्रेजेंटेशन है कि मंजुल मेल होते हैं लेकिन उसको हैरानियत इसलिए हुई क्योंकि यहां पे मंजुल फीमेल मिली तो ध्यान से समझिए यहां पे जो हो रहा है उसको ये हैरानी इसलिए हुई क्योंकि उसने रिप्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक क्रिएट किया हुआ है लेकिन अगर यहां पे रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक कहां पे लगेगा मैं बड़ा क्लियरली आपको समझा देता हूं जहां पे आपके पास सिचुएशन आएगी ना कॉगनेटिव डिसोनास की ग्नेटिव डिसोनेंस जो होता है उसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम होती है रिप्रेजेंटेशन ह्यूरिस्टिक की कि आपने जो किसी चीज का मीनिंग निकाला हुआ है वो मीनिंग वहां पे दिखता नहीं है आपको व्यवहारिक तौर पे तो आपका आपकाटिव डिसोनेंस होता है राइट कन्फर्मेशन बायस कन्फर्मेशन बायस का मतलब होता है कि जैसी प्रडिक्शन है आपने कुछ प्रिडिक्ट किया कि ये होने वाला है अब जो घटना घटित हुई उसमें एक वाई और एक एन यानी कि यस और नो दोनों हैं मतलब घटना ना ही तो डायरेक्टली ये दिखा रही है कि ऐसा हुआ ना ही यह दिखा रही है कि ऐसा नहीं हुआ तो प्रोडिक्शन जो है आप फॉलो कर लेते हैं वाई को क्यों क्योंकि आप अपनी प्रोडिक्शन को कंफर्म करना चाहते हैं कि वही सही है तो यह होता है कंफर्मेशन बायस कन्वर्जेंट थॉट मतलब कि जो भी आपके पास अवेलेबल नॉलेज है उन सबको मिलाना और उस परमिटेशन कॉम्बिनेशन लगाना ह्यूरिस्टिक फॉर अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है जो आपके पास अवेलेबल नॉलेज है उसी से अपना मीनिंग क्रिएट कर लेना राइट नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेस्ट वे टू डिफाइन फोनिम इज एज फॉलो स्वरों को परिभाषित करने का सबसे बेहतर तरीका यह होता है ऑप्शन देखिए बताइए इन अ लैंग्वेज द स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन जब कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो ये किस चीज की बात कर रहा है यह बात कर रहा है मॉरफीन की मॉरफीन की बात कर रहा है ये द बेसिक कॉन्सोनेंट एंड वॉबल साउंड ये आंसर आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अ टर्म और फ्रेज दैट डिफाइंस द मीनिंग ऑफ अदर वर्ड्स और फ्रेज इसे कहते हैं सब्सटीट्यूटिव वर्ड्स सब्सटीट्यूशन अ सेट ऑफ गाइडलाइंस फॉर कंबाइनिंग वर्ड्स टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल सेंटेंस बना रहा है तो सिमेंटिक्स और सिंटेक्टिंग सिमेंटिक्स में एक हिस्सा क्या आता है सिंटेक्टिंग तो सिंटेक्स है ये हाँ जी बी होगा इसका आंसर और नेक्स्ट क्वेश्चन है द लैंग्वेज थियोरी ऑफ नॉम्स की भाषा सिद्धांत में निम्नलिखित विचार शामिल थे पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेन्फोर्समेंट आर यूज टू टीच लैंग्वेज टू चिल्ड्रेन बिल्कुल गलत है कौन कहेगा बिहेवियरिस्टिक कहेगा और नॉमचॉम्स की कौन थे वो एक जेनेटिक लिंग्विस्ट थे ठीक है ना तो वो एक ऐसे कॉग्नेटिविस्ट थे जो जेनेटिक थियरी में विश्वास रखते थे द सेम ग्रामेटिकल एरर्स आर मेड बाई चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स मतलब इमिटेशन की बात कर रहा है द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज मॉडल्ड बाई दोज अराउंड मॉडलिंग की बात कर रहा है कि जो उसके आसपास है फिर से इमिटेशन की बात कर रहा है द मेंटल ग्रामर इज इनट इन चिल्ड्रन मेंटल ग्रामर जो होती है वो इन नेट होती है सो so, एक इन थियरिस्ट क्या बिलीव करेगा कि जो मेंटल ग्रामर होती है वो इननेट होती है ये दोनों क्या है इमिटेशन की बात है ये कौन सी है रिन्फोर्समेंट है ये नहीं होगा यहाँ पे बच्चों के अंदर जो ग्रामर होती है वो एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है और वो इननेट होती है अंदर दिमाग के अंदर होती है ठीक है जी तो आंसर होगा डी दैट इज नॉम चॉम्स की नेक्स्ट देर इज एविडेंस टू सपोर्ट द आइडिया दैट लैंग्वेज एब्सॉर्ब इज एन इनबॉन ट्रेट इसके एविडेंस हैं हमारे पास में कि जो भाषा को ग्रहण करने का जो तरीका होता है वो एक इन तरीका है आंतरिक तरीका होता है हर किसी का विच ऑफ द साइकोलॉजिस्ट लिस्टेड बिलो वुड एग्री विद द स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट से कौन एग्री करेगा चॉम्स की वॉर्फ स्किनर सपीर चॉम्स की वुड नॉट शुड नॉट बी ही क्योंकि अगर चॉम्सकी अगर दिया हुआ है तो ये क्वेश्चन हो जाता है बहुत आसान कोई और ऑप्शन दिया हुआ होता है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है चॉम्सकी ने बोला है कि बच्चे जो होते हैं वो इनबॉन ट्रेट होता है उनके अंदर लैंग्वेज को डिवेलपमेंट करने का आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है अब स्किनर जो है वो कहता है कि आप इमिटेट करते हैं और फिर री करते हैं सपीर एंड वॉर्फ की हाइपोथेसिस क्या है चलिए बताते हैं एक इंश्योरेंस एजेंट जो कि इंश्योरेंस सर्वेयर था ये सर्वे किया करते थे ऐसी जगहों के जिनको कि इंश्योरेंस क्लेम देना है तो ऐसी स्थिति में एक बिल्डिंग के अंदर लग गई आग ठीक है और जब ये आग लगी तो वहां पे जो मुख्य रूप से रहने वाले लोग थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे जिनका की अपनी बिल्कुल एक अलग लैंग्वेज एक अलग कल्चर था और जब वहां पे ये इंश्योरेंस एग्जीक्यूटिव uh, पहुंचे और उन्होंने सर्वे किया तो उन्हें पता चला कि एक गार्बेज बिन था यानी कि एक का ढेर था और उसके अंदर किसी ने सिगरेट फेंक दी जलती हुई राइट right? तो जो सिगरेट जो जलती हुई फेंकी उसके कारण आग लगी थी right? अब इन्होंने लोगों से पूछना चालू किया कि यह आग का कारण क्या था जिससे कि बाद में इन्होंने कंक्लूड किया लेकिन इनको बहुत समस्या हुई समस्या इसलिए हुई कि उस कल्चर में उस कल्चर में आग के लिए जो शब्द यूज हो रहा था एक आग का स्रोत और अपने आप में फायर एज ए होल जो आग लग गई आउटकम इनके लिए दो अलग शब्द ही नहीं थे भाषा में भाषा में वो जो सिगरेट में लगी हुई आग थी सिगरेट की आग और जो बिल्डिंग में आग लगी उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द था इसलिए कोई डिफरेंट शब्द ना होने के कारण ये पूरा एक क्लस्टर बन गया कि भाई ये बात किस चीज की कर रहे हैं समझ में ही नहीं आ रही थी तो उनको ये पता चला कि हर एक कल्चर के अंदर शब्दों की जो चॉइस होती है शब्दों का जो अर्थ होता है शब्दों का जो विकल्प होता है वो विकल्प हमें उस कल्चर के अकॉर्डिंग या वास्तविक रूप से किसी चीज का अर्थ निकालने में महत्वपूर्ण योगदान देता है बाद में चल करके एक दूसरे साइकोलॉजिस्ट सपीर से मिले ये सर्वेयर वही थे तो सपीर और वॉर्फ दोनों मिल गए और इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी जिसे कहते हैं सपीर वॉर्फ डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म से संबंधित है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म और लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म यानी कि भाषा ही किसी चीज के अर्थ को हमारे दिमाग में बनाती है तो दैट इज लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म एंड लिंग्विस्टिक रिलेटिविज्म एंड दैट्स व्हाई लैंग्वेज का जो कॉन्सेप्ट है हम थॉट के साथ पढ़ते हैं साइकोलॉजी में और वो कॉग्नेटिव डोमेन uh, का ही हिस्सा कहलाता है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका तो आंसर चॉम्स होगा जो मैंने आपको बता दिया क्वेश्चन नंबर है दस द वॉर सपीर लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथिस ड नॉट सपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वार्फ सपीर भाषा इस पर लिखित में से किस कथन का समर्थन नहीं करती है उसी पर लैक ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज दैट करेस्पॉन्ड इज अनु टू ऑकर यदि भाषा में अभिव्यक्ति की कमी है तो संगत विचार होने की संभावना नहीं है देर इज एविडेंस दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुंस्ड बाय इनबॉन टेंडेंसीज इस बात के प्रमाण हैं कि भाषा का विकास जनजात प्रवृत्तियों से प्रभावित होता है इफ लैंग्वेज हैज इंपैक्ट ऑन आवर एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन इट शुड ऑल्सो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वी थिंक अगर भाषा का प्रभाव इस बात पे है कि हम इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर करते हैं तो इसका प्रभाव इस बात पे भी है कि हम कैसे सोचते हैं इट इज इजियर टू थिंक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट वेन लर्निंग न्यू वोकैबलरी जब नई वोकैबलरी सीख रहे हो तो उसमें भाषा का संबंध बनाने में आसान भाषा द्वारा संबंध बनाने में आसानी होती है तो आप कह रहे हैं कि इफ देयर इज अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन इन लैंग्वेज दॉट दैट करस्पॉन्ड इज अनलाइकली टू ऑकर ठीक है अगर उस भाषा में शब्द नहीं होंगे तो फिर आपको थॉट भी नहीं आएंगे um, क्या इफ लैंग्वेज हैज एन इंपैक्ट ऑन आर एबिलिटी टू स्टोर इंफॉर्मेशन अगर भाषा का हमारी मेमरी uh, पे प्रभाव पड़ता है तो इट शुड ऑल्सो हैज इंपैक्ट हाउ वी थिंक तो फिर इसका इस बात पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए कि हम कैसे सोचते हैं क्या यह भी हो सकती है क्या क्योंकि मेमरी बिकॉज मेमरी ही नेवर टॉप्ड अबाउट there is evidence that language development is influenced by inborn tendencies ab ye jo question ka jo option ek minute kya hai ye there is evidence that language development is influenced by inborn tendency nahi nahi this is wrong aap isko correct karenge oh ah, oh ah, oh ah, ठीक theek 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 ye keh raha hai ki the worf linguistic relativity hypothesis does not support हमें ये चूज करना है कौन सा सपोर्ट नहीं करती है तो ये कह रहा है कि इफ देर इज अ लैक ऑफ एक्सप्रेशन तो जिसका मैंने एग्जाम्पल दिया कि उस कल्चर के अंदर लोगों के अंदर वो शब्द ही नहीं है जो कि दो आग को अलग अलग तरीके से दिखाएंगे तो ये तो ठीक है इफ लैंग्वेज हैज एन इम्पैक्ट दूसरे वाला पोर्शन देखो हैव एन इम्पैक्ट ऑन हाउ वी थिंक लैंग्वेज का इम्पैक्ट होता है जैसे हम सोचते हैं यही तो है लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म तो ये भी ठीक है इट इज इजियर टू थिंक अबाउट रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट वैन लर्निंग न्यू वोकैबलरी हम कुछ भी नया सीख रहे हैं तो लैंग्वेज एंड थॉट से वो प्रभावित होता है ठीक है देर इज एविडेंस दैट लैंग्वेज डेवलपमेंट ये बात कही है चॉम्सकी ने यह चॉम्सकी का एक्सप्रेशन है सो आंसर वुड बी बी हाँ क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसको ध्यान रखें आप चलिए अगला प्रश्न एवरी चाइल्ड इज बोर्न विद ए डैश ग्रामर प्रत्येक बच्चा व्याकरण के साथ पैदा होता है स्टैंडर्डाइज लर्नेड अक्वायिवर्सल तो आसान है हम इसको स्टडी कर चुके यहां पर आएगा यूनिवर्सल और थॉट किसका होगा चॉम्सकी का होगा बेसिकली आज वाले सेशन में आपको सपीर वॉर्फ पता चला चॉम्सकी पता चला जो लैंग्वेज और थॉट का जो रिलेशन है उसको आप समझ रहे हैं ठीक ना चलिए नेक्स्ट चिल्ड्रन आर बोर्न विद एन यूनिवर्सल ग्रामर दे हैव ए रेडीनेस अबाउट द लैंग्वेज एक्विजिशन एंड दिस रेडीनेस गेट्स कंप्लीटेड विद द एनवायरमेंटल एक्सपोजर विच आर ऑल नेचुरल एंड अन यहां पे क्या होगा चिल्ड्रन आर बॉर्न विद ए यूनिवर्सल ग्रामर दे हैव ए डैश कौन सी रेडीनेस होती है Psychological readiness, sociological readiness, learning readiness, yeah, all of the above. क्लैरिटी है या फॉग आनी चालू हो गई ऑल कैसे हो न होगा यहां पे? यहां तो बहुत समस्या है अगर सोशोलॉजिकल रेडिनेस का अगर आप देखोगे तो सामाजिक रूप से तैयार होता है बच्चा पैदा इसी रूप से ये कह रहा है एक्विजिशन एंड रेडीनेस टू गेट कंप्लीटेड विदमेंट एक्सपोजर तो कह रहा है चिल्ड्रन आर बोर्न विद यानी वो समाज के लिए बोर्न होते हैं यानी आप कह रहे हैं कि पैदाइश से ही उनका सोशलाइजेशन हो चुका होता है नहीं नहीं सोशियोलॉजी ऑफ चाइल्ड सोचिए ना बोर्न की बात कर रहा है यहां पे कह रहा है चिल्ड्रन आर बोर्न कैन चिल्ड्रन बोर्न विद सोशियोलॉजिकल रेडीनेस समाज के लिए तैयार पैदा होता है बच्चा तो बड़ा ही ठीक है ना एंड लर्निंग रेडीनेस तो फिर भी काफी हद तक बोल सकते हैं बट कॉग्निटिव रेडीनेस बोल सकते हैं लर्निंग रेडीनेस तो बड़ा बड़ा ही आ, मुश्किल हो जाएगा क्योंकि और कॉग्निटिव रेडीनेस के लिए भी किसी ने नहीं कहा कि कॉग्निटिवली रेडी होता है उन्होंने कहा कि एनोमी की स्टेज है तो अनाधिकार की यानी वो जो सीखेगा वो उसकी मर्जी है सो तो, और वो सीखेगा भी या नहीं सीखेगा वो भी नहीं पता कर सकते फॉर फर्स्ट सिक्स मंथ इन्फेंसी वाला टाइम पीरियड तो बड़ा ही मुश्किल होगा तो इसलिए यहाँ पे इन्फेंसी में भी साइकोप्लास्टिसिटी वाला जिसके अंदर सब वो न्यूरोप्लास्टिक इमेज बना रहा है नहीं बहुत मुश्किल होगा सो so, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ए साइकोलॉजिकल रेडिटस क्योंकि इसका एक ही इलाज समझ में आ रहा है फॉक का वो ये है कि नौ या दस बजे सेशन ना लिया जाए तो अभी कुछ दिनों के लिए जब तक ये सर्दी है तब तक नाइन और टेन ओ क्लाक का सेशन नहीं हो पाएगा ये सेशन एलेवन क्लाक रहेगा ठीक है ना क्योंकि आ, जो कैमरे का लेंस है वो उस पर पूरा फॉक आ जाता है मॉर्निंग वाले सेशन में तो वो बाधित होता है फिर तो इसलिए ये सेशन जो है ये इलेवन ओ क्लॉक रहेगा अभी फिलहाल जब तक सर्दियां हैं ठीक है जैसे जैसे ये सबसाइड होती है विंटर्स कोल्ड तो हम इसको टाइम को फिर से नाइन ओ क्लॉक पे ही ला देंगे नॉर्मल चाइल्ड इन एनी सोसाइटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स अ लिंग्विस्टिक एडल्ट बाय द एज ऑफ डैश दुनिया के किसी भी हिस्से में किसी भी समाज में एक सामान्य बच्चा डैश की उम्र तक भाषाई वयस्क बन जाता है तीन चार पांच नौ बड़ा सिंपल क्वेश्चन है बट कभी कभी जो सिंपल होते हैं वही हार्ड होते हैं ध्यान रखिएगा कभी कभी जो जितने सिंपल होते हैं वही उतने हार्ड होते हैं राइट ओ नीचे रोड पे एक 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 सांड ने व्यक्ति को स्कूटी के साथ धकेल दिया है बट हां लोग अवेलेबल हैं चलिए रिफ्यूजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उदाहरण तो बेसिकली ये आपको जरा बता दें कि इसे कहा जाता है तीन से तीन से चार क्या होता है तीन से चार की एज बताई जाती है इसके लिए आपके मुझे बिल्कुल भी कमेंट नहीं दिख रहे किसी का कमेंट नहीं आ रहा है या आ रहा है इस क्वेश्चन पे मुझे किसी का भी कमेंट नहीं दिखा मेरी आवाज आ रही है नहीं तीन या चार तीन या चार साल नॉर्मल चाइल्ड इन एनी सोसाइटी इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकम्स ए लिंग्विस्टिक एडल्ट बाई द एज आप ध्यान से समझिएगा लिंग्विस्टिक एडल्ट जो है वो बेसिकली आप पूरी जिंदगी भाषा सीखते हैं लेकिन लगभग अठारह महीने से लेकर के लगभग अट्ठारह महीने से लेकर के और थर्टी सिक्स मंथ टू फोर्टी एट मंथ का ये जो टाइम पीरियड होता है लगभग टू ईयर्स लगते हैं आपको ये लैंग्वेज सीखने में तो कई जगहों पे दिया जाएगा तीन साल चार साल या पांच साल और जब भी इस तीन से पांच को अगर आप स्टडी करेंगे तो जो ऑब्जेक्टिव एज है उसको आप फोर मान करके चलिए डिपेंड्स फोर के जो सबसे निकट हो उसको आंसर मारिए पेपर के अंदर ठीक है दैट इज वॉट वी नीड अच्छा मतलब एवरीथिंग इज फाइन मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है हाँ जी हाँ जी नेक्स्ट मोडिफाइंग द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर टू इंटरप्रेट द ऑब्जेक्ट इवेंट और प्रोसेस इज नोन एज वस्तु घटना या प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए मौजूदा संरचना को संरोचित करना क्या कहलाता है देखो इस क्वेश्चन में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि हम इसे समझते नहीं है पहले इसको लेते हैं ये है प्रोटोटाइप अब प्रोटोटाइप क्या है प्रोटोटाइप है बियर जो भालू हमें दिखा ठीक है और यह एक प्रोटोटाइप है अब इस प्रोटोटाइप से हमने एक नॉलेज बनाई जो नॉलेज बनाई उसे कहते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल वर्ल्ड तो हमने आह, हमने एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया वो जो स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड स्कीमा क्या है कॉल्ड स्कीमा अब ध्यान रखिए जैसे ही हम इस स्कीमा यानी स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करेंगे तो ये कहलाएगा एकोमोडेशन लेकिन इस स्कीमा के अंदर ये जो प्रोटोटाइप है इसकी ऑलरेडी एक नॉलेज है और अगर हम इस नॉलेज को चेंज करेंगे स्ट्रक्चर को नहीं इस नॉलेज को चेंज करेंगे तो यह कहलाएगा एसिमुलेशन अरे तुम लोगों ने तो आंसर ठीक ही दिया है जी इसका आंसर होगा चलिए अगला प्रश्न इन स्टेज ऑफ पियाजेज ए प्रोग्रेशन इज देयर फ्रॉम स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स एंड रिफ्लेक्सेस टू अक्वायर्ड हैबिट्स एंड फ्रॉम दीज टू इंटेलेक्ट एक्टिविटीज पियाजे के सिद्धांत के किस चरण में सहज गतियों और प्रतिवर्तों से अधिग्रहित आदत तक और इनसे बुद्धिमान गतिविधियों की ओर प्रगति होती है ऑप्शन ए सेंसरी मोटर पीरियड प्री ऑपरेशन पीरियड कॉन्क्रीट ऑपरेशन पीरियड फॉर्मल ऑपरेशन चारों स्टेजेस हैं सेंसरी मोटर सही है जी तो सेंसरी मोटर जो है उस स्टेज के अंदर हम क्या पढ़ते हैं हम पढ़ते हैं सारे प्रकार के रिफ्लेक्सेस और दूसरी चीजें उससे हम समझ बनाने की इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज की तरफ सेंसरी मोटर में ही बढ़ चुके होते हैं तो आंसर वुड बी सेंसरी मोटर पीरियड नेक्स्ट क्वेश्चन डैश स्टेज ऑफ पियाजे इज कैरेक्टराइज एज रिप्रेजेंटेशन और सच लैंग्वेज सिंबॉलिक प्ले द इन्वेंशन ऑफ फिक्शन एटसेट्रा पियाजे के चरण को प्रतिनिधित्व या प्रतीकवाद के चरण के रूप में देखा जाता है जैसे की भाषाएं प्रतीकात्मक नाटक कल्पना का आविष्कार बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही साइकोप्लास्टिसिटी बहुत बार मैं डिस्कस कर चुका हूं यानी कि हमारे दिमाग के अंदर जब नॉलेज ऑफ लैंग्वेज नहीं है तब हम जो इमेज क्रिएट कर रहे हैं देख रहे हैं दुनिया को तब भी तो हम सोच रहे हैं उसके बारे में तो जिस विषय में लैंग्वेज से पहले हम सोचते हैं वो साइकोप्लास्टिसिटी है ये ब्रेन की सेल्फ हीलिंग थॉट होती है तो ये प्री ऑपरेशन पीरियड होगा जिसके अंदर की आप सिंबॉलिक प्ले की अवस्था में होते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है सिंबॉलिक प्ले बच्चे जो होते हैं वो प्रतीकात्मक प्ले करते हैं यानी कि किसी चीज से खेल रहे हैं जो कि वैसी है नहीं तो ये एनिमिज्म की स्टेज भी होती है कि लकड़ी के गुटके को लेकर के हवाई जहाज समझने लगना और अपने टेडीबियर के साथ में अपने आप को बेहतर समझना खैर 1958 कुछ नया बताना भी जरूरी है इट वॉज आर्विंग गॉफमैन। आर्विंग गॉफमैन ने 1958 में एक पेपर लिखा था और ये पेपर था सोशल इंटरेक्शन एंड कल्चर को लेकर के बड़ी मजेदार चीज उन्होंने लिखी वो थी कि ये जितनी जो भी समाज है ना वो एक थिएटर है वो और ये जो भी हम सोशल इंटरेक्शन कर रहे हैं ये ड्रामा चल रहा है हम लोगों के बीच में और हम अपने रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो कर रहे हैं और इस बीच हम एक दूसरे को जो इंटरेक्ट कर रहे हैं वो रियल नहीं है बल्कि वो एक हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं इस बड़े से ड्रामा में uh, 1956 में पियाजे ने जेनेटिक अपिस्टमोलॉजी में और उससे पहले अपने थीस वर्क में इस बात को क्लियर किया कि बच्चे जो होते हैं वो एनिमिज्म की स्टेज में uh, कुछ ऐसी चीजों से भी खेलते हैं जो खेलने के नहीं हैं और वो बड़ा ही एक सिंबॉलिक एटीट्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं इसी को आम, इसी को डोनाल्ड विनिकॉट ने बच्चों के खेलों को जोड़ते हुए उसने ये कहा कि बच्चे जो खेल रहे हैं वो एक्चुअली किसी ऑब्जेक्ट के साथ अटैचमेंट के रूप में वो अपने साइकोलॉजिकल प्रोसेस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं इन तीनों को एक साथ जोड़ देते हैं एक बच्चा है जो कि बियर के साथ खेल रहा है तो बेसिकली वो उस बियर के साथ के बहुत ही बेसिक से सीख रहा है बड़ी अच्छी बात है लेकिन ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं आपकी लाइफ के चाहे वो फोन हो चाहे वो बियर हो या आपके आपकी पिक्चर्स हो, आपके पुराने खिलौने हो, या पुराने कपड़े हो, ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो भी कोई ऑब्जेक्ट होता है इसकी वैल्यू इस चीज के लिए होती है कि ये हमारे उस सोशल इंटरेक्शन से हमें कनेक्ट कर देता है बट बड़ी मज़ेदार बात है कि अक्सर हाँ ये हमारे पास्ट सोशल इंटरेक्शन से हमें कनेक्ट कर देता है और प्रेजेंट में जो सोशल इंटरेक्शन चल रहा होता है उसके लिए ये कहीं ना कहीं हमें दूर कर देता है और इसलिए इसलिए अगर मैं वर्तमान में इस बात पे अगर जोर डालूं तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं हमारे आसपास ये एक रिग्रेशन का महत्वपूर्ण रीजन होते हैं तो इसमें आपके लिए लर्निंग इतनी है क्योंकि सिंबॉलिक प्ले को समझना है कि जो भी अपनी सिंबॉलिक प्ले की चीजें हैं उनसे कनेक्ट रहना जरूरी है पर कनेक्ट इतना ना रहे कि वो आपके अंदर रिग्रेशन को क्रिएट कर दे आपके अंदर आप पीछे के टाइम पे ना चले जाए राइट right? इसको ध्यान रखें खैर चलिए क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अकॉर्डिंग टू पियाजे दाइल्ड इन प्री ऑपरेशन पीरियड इंडिकेटिविटी टू थिंक लॉजिकली बाई फिजिकल मैनिपुलेशजे टर्म्ड दीज एक्शन एज प्याजे के अनुसार चिल्ड्रन जो प्री ऑपरेशन पीरियड में होते हैं बिगिनस टू डेमोन्स्ट्रेट एक्शन वो वो एक्शन दिखाने लगते हैं जो एक्शन इंडिकेटिव होते हैं एबिलिटीज के लॉजिकली बाय फिजिकल और वो आ, वो फिजिकल ऑफ़ ऑब्जेक्ट के साथ में टेक प्लेस करते हैं इसे पियाजे ने क्या कहा है डिफॉल्ड इमिटेशंस रिप्रेजेंटेशंस ऑपरेशंस या सिंबोलिज्म अच्छा है अच्छा है पर एक्चुअल में क्या है कि अकॉर्डिंग टू पियाजे, द चाइल्ड इन प्री ऑपरेशन पीरियड बिगिनस्ट्रेट एक्शन ध्यान रखिएगा क्या कर रहा है एक्शन तो हमें यहां पे ये बताना है ये एक्शंस क्या है एक्शंस इंडिकेटिव ऑफ एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली थिंक करने के लिए जो जो स्ट्रक्चर बन रही है वो होगी वो जो स्ट्रक्चर बन रही है वो होगी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन राइट और जो हम किसी चीज को अपने तरीके से सीखने की कोशिश कर रहे हैं वो होगी और सिंबोलिज्म वॉट इज सिंबोलिज्म तो सिंबोलिज्म यानी एनिमिज्म के तरीके का उन्होंने डिफाइन किया है तो एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली बाय फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली थिंक लॉजिकली स्टेज जो है ना नाजीशनल स्टेज यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज के लास्ट में आप कोशिश करते हैं लॉजिकली सोचने की लॉजिकली मतलब एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्टन नहीं है लॉजिकली मतलब कंजर्वेशन नहीं है लॉजिक मतलब बच्चे का भी तो अपना एक लॉजिक है ना तो वो लॉजिक से सोचने की कोशिश करते हैं ये एक्शंस जो हैं वो कहलाते हैं ऑपरेशंस जो एक्शंस हैं वो कहलाते हैं ऑपरेशंस जो वो मन में दिमाग में मीनिंग बना रहे हैं वो कहलाते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अपना मीनिंग दुनिया से अलग बना रहे हैं डिफॉल्ट इमिटेशन एंड सिंबोलिज्म मतलब कि ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डैश आर कंसीडर्ड एज ब्रॉड अफेक्ट एट्रीब्यूट हैविंग इनफ बियरिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ वंस परसेप्शन लर्निंग व्यूज एंड ऑप्शंस एंड बिहेवियर इन जनरल डैश को व्यापक प्रभाव वाले गुण माना जाता है जो सामान्य रूप से किसी की धारणा सीखने विचारों और विचारों और व्यवहारों की दिशाओं पर पर्याप्त प्रभाव डालता है कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज स्टैंडर्ड्स डैश आर कंसिडर्ड एज ब्रॉड अफेक्ट एट्रीब्यूट हैविंग इनफ एक मिनट दीजिए मुझे

चलिए खैर तो डैश आर कंसीडर्ड एज ब्रॉड हैविंग इनफ ऑन ऑफ लर्निंग व्यूज एंड ओपिनियंस एंड बिहेवियर इन जनरल तो डैश को व्यापक प्रभाव वाले गुण माना जाता है जो सामान्य रूप से किसी की धारणा सीखने विचारों और विचारों और व्यवहारों की दिशाओं पर प्रभाव डालता है क्या कहेंगे इसको कल्चर नॉर्म्स वैल्यूज स्टैंडर्ड्स बताएं थोड़ा जल्दी से बताएं थर्ड वैल्यूज भाई ये तो क्लियरली दिया हुआ है ना वंस परसेप्शन लर्निंग व्यूज एंड ओपिनियन ये टोटल मिला दीजिए जोड़ करके लिख लीजिएगा ये वैल्यूज होती हैं आप लोगों ने टेस्ट भी नहीं दिया है तो या तो मैं टेस्ट ना बनाऊं या तो लोग जो टेस्ट दे रहे हैं वो सेशन नहीं अटेंड कर रहे और जो सेशन अटेंड कर रहे हैं वो टेस्ट नहीं दे रहे मजे की बात है ना हा मेरा भतीजा आया अब वो थक, 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 गेट बजा रहा है अब उसे इंतजार करना चाहिए कैनी को बट but... ठीक है खैर दूसरी बात की यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि इस क्लास से जुड़े हुए हैं जिनको कि ये सेशन करना चाहिए बट वो लोग शायद जिन्होंने टेस्ट दिया है वो अटेंड नहीं कर रहे जो अटेंड कर रहे हैं वो वो टेस्ट नहीं देकर के आए तो आई एम वेरी dissatisfied विद द क्लास नहीं मैंने ध्यान नहीं दिया नहीं आप लोगों का आंसर ठीक है वो पता नहीं था नहीं पहले या फिर दिखा नहीं जो भी है ठीक है बढ़िया आंसर है हाँ वैल्यूज होगा सही बात है हाँ मतलब थोड़ा खराब लगता है ना कि जिन लोगों के लिए सेशन चल रहा है उनको ही इसकी वैल्यू नहीं है बेसिकली पांच वीवर हैं उसमें से तुम दोनों को तो मैं अलग ही मान करके चलता हूँ क्योंकि यू बोथ हैव क्लियर योर एग्जाम्स एंड वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग तो बाकी जो जनता बच गई उसमें तीन बच्चे हैं एक शायद लेखा बीच बीच में आंसर कर रही है एक आरसी सिद्दीकी है और भी बहुत सारे लोग हैं बट वो हैं कहां एंड वाई आर नॉट दे अटेंडिंग द क्लास और अगर उनको जरूरत नहीं है तो फिर मैं क्यों यहां पे आ, मतलब अपने एफर्ट्स इसमें क्यों लगा रहा हूं सो आई डोंट थिंक नो रीजन बट फिर मुझे लगता है कि ये उन बच्चों के साथ मतलब मैं अगर इस टाइम को अपने अगर बेहतर अगर इस्तेमाल कर लूं तो शायद रिजल्ट्स बेहतर निकल सकते हैं दूसरे बैचेस के लिए जिसमें बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ये तो गलती होगी ना तो खैर आई जस्ट कैन से आई जस्ट कैन टेल यू दैट दिस इज हैपनिंग दिस शुड नॉट हैपनिंग बट अल्टीमेटली इट्स योर चॉइस इट्स योर वे ऑफ थिंकिंग ये आपकी मर्जी है खैर चलिए हु हैड कमेंटेड दैट एजुकेशन ंग चिल्ड्रन रिंग ऑन दिन एजुकेशन सिस्टम किसने टिपणी की थी कि शिक्षा हो चुकी है और भारतीय शिक्षा प्रणाली को प्रतिबिंबित करते हुए छोटे बच्चों को अन कहा नुकसान पहुंचाएगी तो कोठारी कमीशन स्वामी विवेकानंद रविंद्रनाथ टेगोर और जे एल भट्ट बड़ा मुश्किल है ऐसे में बड़ा मुश्किल है रविंद्र टेगोर ने यह कहा था कि जो बच्चे हैं उनको आजादी दे दो उन्हें घूमने दो उन्हें अपने आप को एक्सप्लोर करने दो और इस एक्सप्लोरेशन में ये जो एजुकेशन है ये बाधा उत्पन्न कर रही है वी मस्ट नॉट डू दैट जे एल भट्ट जो है वो uh, भट्ट कमीशन भट्ट कमेटी बनाई गई थी ये वहां से नाम है कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है इन्होंने ही कम्युनिटी एजुकेशन की बात की थी कोठारी कमीशन आपको पता ही है दौलत सिंह कोठारी डीएस कोठारी के अंडर में 1964 में बनी थी 67 में इन्होंने रिपोर्ट दी थी स्वामी विवेकानंद द ग्रेट वन है ना तो ठीक है ये वो व्यक्ति हैं स्वामी विवेकानंद जो कि यूथ में बहुत विश्वास करते थे ठीक है ना हम्म hmm. चलिए हाँ टेगोर नेचुरलिस्ट हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग थ्री ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ ईवीएस में से कौन ईवीएस के तीन व्यापक सिद्धांतों में से नहीं है नंबर एक लर्निंग अबाउट एनवायरमेंट लर्निंग फ्रॉम एनवायरनमेंट लर्निंग थ्रू एनवायरमेंट लर्निंग फोर जी इनमें तीन प्रिंसिपल होते हैं ईवीएस के उनमें से कौन सा नहीं है आंसर होगा लर्निंग फ्रॉम लर्निंग अबाउट लर्निंग थ्रू एंड लर्निंग फॉर एनवायरनमेंट। ये तीन प्रिंसिपल हैं इनको याद रखिएगा तो अबाउट थ्रू एंड फोर तो आप इन्हें याद रखिएगा ऐसे भी याद रख सकते हैं कि फ्रॉम नहीं है आपकी मर्जी है तो खैर एक अच्छा डिस्कशन हो सकता है जब सभी डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें यह आपकी मर्जी है कि आप इस डिस्कशन को आप इस इंटरेक्शन को कैसा बनाना चाहते हैं कहाँ ले जाना चाहते हैं और इसके साथ अपने आपको आप को आप कहाँ देखते हैं अगर आपको लग रहा है कि आपकी प्रतिभा और आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम के लिए ये लेवल इनफ नहीं है और इसलिए आप सेशन नहीं अटेंड कर रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं लेवल को कभी भी चेंज किया जा सकता है पर अगर किसी को अगर ऐसा लग रहा हो तो भी मॉडिफिकेशन देखी जा सकती है आपका पॉइंट सुना जा सकता है हालांकि लेवल तो यही है जो कि पेपर में भी आएगा पर यह गलत है कि अगर रेगुलर सेशन चल रहे हैं देन यू शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेगुलर सेशन और आज के सेशन में हमने अगर दो चीज़ें भी सीखी हों तो वो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण रही होंगी ऐसे जो टीचर होते हैं उनका उत्साह रुकता है क्योंकि आपके बैच को केवल इसलिए बनाया गया था ताकि आप एक कंटिन्यूटी में इसको ज्वाइन कर सकें इसके साथ चल सकें बट ये तो गलत होगा कि आप अगर इस कंटिन्यूटी में अगर इस चीज़ को अगर ठीक तरीके से देख नहीं पा रहे और आप खुद ही कंटिन्यू नहीं रह पा रहे हैं तो ठीक है ना तो कृपया करके जो लोग अटेंड कर रहे हैं वो अपने साथी सहयोगियों को समझा दीजिए इसको अटेंड करना है ज़रूरी और तरीके से सोचें थैंक यू सो मच